मुर्दाबाद 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 संदीप सिंह को गिरफ्तार करो 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 गिरफ्तार करो। देखिए चंडीगढ़ पुलिस तो पहले मना कर रही थी कि ये 8 महीने हो गए चार्जशीट फाइल करने से ही मना कर रही थी। जब यहाँ हम प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे तो कल आनंद फानन में चार्जशीट फाइल हो गई। अब हमारी स्पष्ट मांग है कि इस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए क्योंकि इसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर हो चुकी है और पुलिस ने जो विड्रॉ कर लिया दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप उसको शामिल किया जाना चाहिए चार्जशीट पे। ये पुलिस ने संदीप सिंह को बचाने की कोशिश की है। संदीप सिंह पे तो जोर चलता नहीं, वहां जाके उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते उसके घर पे जाके। यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जोर चला रहे हैं। कल इनके पुलिस के सीआईडी के लोग आके खुद यहाँ पे जगह दिखा के गए कि यहाँ बैठ जाइए, यहाँ डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा आपको। और आज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे धारा 144 लगी है तो अगर यहाँ करने देंगे तो ठीक है, हमें तो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना है, यहाँ नहीं करने देंगे तो इनकी तानाशाही के खिलाफ पुलिस हेडक्वार्टर पे विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे तो सारे लोग चंडीगढ़ में आसपास ही हैं, ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हो तो यहाँ पे होगा। अगर ये चाहते हैं कि पुलिस जानबूझ के ही अफरा तफरी मचाना चाहती है तो फिर ठीक है, यहाँ से इनको उठा लीजिए। हमारे जितने लोग हैं हम उनको मैसेज कर देते हैं कि पुलिस हेडक्वार्टर पे जाके प्रोटेस्ट करने, कोई आपत्ति नहीं थी। ये कल सजेस्ट कर देते, इनके स्टाफ के लोग खुद आके सजेस्ट करके गए कि यहाँ पे करिए, और आज ये कह रहे हैं सेक्टर 25 चले जाओ। या तो हमें आपत्ति हो सेक्टर 25 जाने में, हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इनके लोग जब कल शाम को आए तो ये बता रहे थे कि आप सेक्टर 25 में बैठिए, हम वहां लोकतांत्रिक तरीके से करने देंगे आपको। ये खुद गुमराह करने का काम कर रही है चंडीगढ़ पुलिस। पहले 8 महीने तक गुमराह करती रही कि किसी न किसी तरीके से ये चार्जशीट फाइल न करनी पड़े, किसी न किसी तरीके से समय निकल जाए। और अब जब चार्जशीट इनको दबाव में फाइल करनी पड़ी क्योंकि हमने कह दिया था इस मुद्दे को सड़क पे उठाएंगे, तो अब ये गुमराह करना चाहते हैं कि ये किसी तरीके से प्रदर्शन ना हो, हाईलाइट ना हो। मुझे नहीं पता संदीप सिंह को बचाने की इतनी क्या प्यार है चंडीगढ़ पुलिस को संदीप सिंह से कि उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो व्यक्ति महिला से छेड़छाड़ का आरोपी हो, जिसके ऊपर आरोप में चंडीगढ़ पुलिस ने खुद चार्जशीट फाइल कर दी है, ऐसे व्यक्ति को अगर बचाने की कोशिश कर रही है चंडीगढ़ पुलिस, शेम ऑन चंडीगढ़ पुलिस।